अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहिदा और आप देख रहे हैं KBTV। आज हम आपको बताएंगे कि माश की दाल कैसे बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों का ऑयल, उसमें मैंने डाले हैं प्याज। अब हमने इनको हल्का ब्राउन करना है, हल्का ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करते हैं। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, साथ इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने ना पीसी हुई है, उसमें अदरक लहसुन डाला हुआ है, वैसे डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा टमाटर, साथ थोड़ा सा, मैं ना हर सालन में डालती हूँ थोड़ा सा अजवाइन और कलवंजी, इसके बड़े फवायद हैं, ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। मिर्चों में मैंने नमक तो वैसे डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ना और भी डाल देते हैं, उसमें ज़रा ना हल्का रह गया था। अब हम इसको अच्छे से ना फ्राई कर लेते हैं सारी चीज़ों को। चलिए, हमारा मसाला तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे माश की दाल। माश की दाल ये देखें, इसको मैंने ना भिगोया हुआ था सुबह का, तो अब ये काफ़ी नरम हो चुकी है। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं, अच्छे से चुन लिया था। इसको ना तकरीबन हम आधा घंटा इसको भूनेंगे, क्योंकि इसने इसी टाइम में ही पकना है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। अब हम इसमें ना थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी तब मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि जल जाती है, तो इसके फायदे ख़त्म हो जाते हैं। अब डालूंगी कि जलेगी नहीं, सिर्फ भूनेगी। चलें, दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इस पर डालेंगे सूखी मेथी। आप धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे हस्बैंड को मेथी पसंद है, तो मैं ज़रा ज़रा ना वो डाल देती हूँ। उसके ऊपर अदरक भी थोड़ी सी डाल देंगे, बड़े मज़े की लगती है जब ये निवाले में आती है। चल, हमारी दाल हो चुकी है तैयार, चूल्हा बंद कर देते हैं। चलें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।